इस सेशन में हम लोग सिंटैक्स एरर पढ़ेंगे, ओके। और ये जो सिंटैक्स एरर पढ़ने के का हमारा मींस गोल होगा वो थ्योरेटिकल मींस गोल होगा, और सी प्रोग्रामिंग को ध्यान में रखते हुए हम सिंटैक्स एरर्स पढ़ेंगे, ओके। इसका जो आप सी, जैसे सपोज करो कोई सी का प्रोग्राम लिखते हो और उसको जब कंपाइल कराते हो तो किस तरह से वो एरर्स जनरेट करता है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ओके। जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पर क्या सिंटैक्स एरर क्रिएट हो सकती हैं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे, ओके। तो सपोज करो कि ये पहला क्वेश्चन है, ओके। तो क्या इस मींस स्ट्रिंग में कोई प्रोग्राम होता है उसको भी आप स्ट्रिंग बोल सकते हो, ओके। तो सपोज करो ये स्ट्रिंग है, तो क्या इसमें या प्रोग्राम है इसमें किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर है, इसमें लेक्सिकल एरर नहीं है, ओके। क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर का क्या काम है कि इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जैसे ही किसी पैटर्न से मैच करते हैं तो टोकन जनरेट हो जाता है, और यहाँ ऐसा हो रहा है। फॉर एक टोकन है कीवर्ड नाम का, ओपनिंग पैरेंथेसिस एक टोकन है, सेमीकॉलन एक टोकन है, एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक टोकन है, ओके। तो अब इसमें क्या सिंटैक्स एरर है? यस, देयर इज अ सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स एरर की जो डेफिनेशन है वो है एरर व्हाइल पार्सिंग, दैट इज नॉट एबल टू पार्स द स्ट्रिंग। अगर आप गिवन प्रोग्राम को या गिवन स्ट्रिंग को पार्स नहीं कर पा रहे हैं, उसका या तो कह लो कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन नहीं डिराइव कर हो पा रहा है, प्रोड्यूस हो पा रहा है, या राइट मोस्ट डेरिवेशन ये इन रिवर्स, ये मींस बॉटम अप का भी नहीं कुछ हो पा रहा है, ओके। या आप कह लो कि पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है, ओके। पार्स ट्री आप नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पार्स ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट हो पा रहा है, ओके। और जब भी ऐसा सिनेरियो होगा इसका मतलब सिंटैक्स एरर है, ओके। क्योंकि अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो हर हाल में उसका पार्स ट्री जरूर कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। इसका क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस स्ट्रिंग के लिए इस स्ट्रिंग को देख कैसा लग रहा है कि ये फॉर लूप का क्या है, ये फॉर लूप के लिए सिंटैक्स है। तो फॉर लूप में अगर सपोज करो कि मैं फॉर लूप में अंदर ये जगहें एम्प्टी भी छोड़ दूं, सपोज करो अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने इन तीनों जगहों पे, उस केस में भी यहां पर क्या होगा, ये दो सेमीकॉलन बीच में आएंगे ही आएंगे, ओके। और इसके लिए जो ग्रामर बनेगी एस डिराइव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनेगी, पार्सिंग में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज होती है, तो इसके लिए जो फॉर लूप के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी एस डिराइव फॉर, और यहां पर आप क्या कर दो E1, E2, E3, ये क्या है कंडीशन के लिए एक वेरिएबल, सॉरी इनिशियलाइजेशन के लिए एक वेरिएबल, कंडीशन के लिए दूसरा वेरिएबल, और इंक्रीमेंट के लिए तीसरा वेरिएबल। तो मैंने तीनों को एक्सप्रेशन बोल दिया, ओके। अब चूंकि ये यहां पर सिंगल कॉलन सेमी कॉलन है तो इससे ये मैच करेगा नहीं, अगर इससे ये मैच करेगा नहीं तो कोई दूसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऐसी नहीं प्रेजेंट है जो इसको पार्स कर सके, एंड देयरफॉर सिंटैक्स एरर, ओके, एंड देयरफॉर सिंटैक्स एरर, ओके। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की, सेकेंड, क्या इसमें कोई इशू है? यहां पर भी अगर देखें तो लेक्सिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सिंटैक्स की प्रॉब्लम है, जो इफ स्टेटमेंट है आपने इसकी ग्रामर क्या देख रखी है, इफ स्टेटमेंट की, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, या इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, ये होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इफ स्टेटमेंट की। और जब यहां पर ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन इफ, तो अगर ऐसी कोई ग्रामर हो तो ये पार्स कर देगा, लेकिन ऐसी ग्रामर है नहीं। जो स्टैंडर्ड ग्रामर है वो ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ओके, जिसके बेसिस पर कंपाइलर ऑलरेडी बना हुआ है, और उसी बने हुए कंपाइलर में इसको आपको चेक करना है,
ओके, तो देयरफॉर इसमें भी क्या है, सिंटैक्स एरर इसमें भी है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। इफ एक्स, यहां तक कोई इशू नहीं है। यहां पर अब देखने वाली बात है, इफ एक्स और ये क्या है, नल स्टेटमेंट। इफ एक्स के बाद सेमी कॉलन है, मतलब ये क्या है, नल स्टेटमेंट। तो ऐसा हो सकता है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बेटर समझ में आएगा, इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, और चूंकि इसके बाद ये फिर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेफ में कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि इफ, इफ के बाद एक स्टेटमेंट तो इसका कंट्रोल रहेगा और उसके आगे की चीज को बाय डिफॉल्ट में पढ़ेगा, लेकिन जब ये एल्स को इस तरीके से देखेगा तो एल्स के मैचिंग, एल्स के मैचिंग मींस अगर दो, जैसे यहां पर आप देखो एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ओपनिंग पैरेंथेसिस मीन्स क्लोजिंग ब्रेस और ओपनिंग ब्रेस या और अलग से लगा दिया। ओके, तो ये जो इफ एल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इस स्ट्रिंग को पार्स, इस स्ट्रिंग को या कह लो इस प्रोग्राम को पार्स नहीं कर पाएगी। ओके, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो सपोज करो कि इफ स्टेटमेंट लेकिन इफ एल्स दोनों है, तो मैं इस वाले से मैच कराता हूं, इफ एक्सप्रेशन यहां तक तो सही है, देन स्टेटमेंट यहां तक भी सही है। ओके, इफ एक्सप्रेशन देन एल्स, अब बीच में ये क्या आ गया। ओके, अगर पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई है, अगर पैरेंथेसिस ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस में ये पूरा कुछ लिखा होता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहां पर इसके तुरंत बाद एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मींस ये इसको ये मींस इसका यूज करके इसको पार्स नहीं कर सकते हैं। ओके, सिंटैक्स एरर है। ओके, ये फोर्थ वन, अगर यहां बात करें, इफ एक्स देन सेमीकॉलन एल्स प्रिंट एफ वाई, इसको देखते हैं, इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, अभी यहां तक कोई इश्यू नहीं है, हो रहा है इससे पार्स, एल्स इसके तुरंत बाद एल्स आ गया और उसके तुरंत बाद स्टेटमेंट आ गया, एंड देयरफॉर इसका यूज करके एस डिराइव्स आई ई टी एस ई एस, इसको पार्स किया जा सकता है, नो सिंटैक्स एरर। ओके, तो अब यहां पर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को, स्विच एक्स केस वन और डिफॉल्ट, यहां पर जो क्लोजिंग ब्रैस है वो नहीं लगा हुआ है। ओके, ये कर्ली ब्रेस क्लोजिंग होना चाहिए था, वो नहीं लगा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और ये यहां पर क्लोजिंग ना लगने की वजह से क्या बोलेगा, मिसिंग क्लोजिंग ब्रेस। ओके, तो इसमें भी क्या है, सिंटैक्स एरर यहां पर भी है। ओके, अगर बात करें इसकी, इंट एक्स इक्वल टू टू, ओके, तो क्या इसमें कोई इशू है, देखो जो इंट है इससे सिंटैक्स एनालाइजर को कोई मतलब नहीं है, सिंटैक्स एनालाइजर को जो मतलब है वो किस चीज से है, वो इस स्टेटमेंट से मतलब है उसको, एक्स इक्वल टू टू से। ओके, और जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनके, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनके रिस्पेक्टिव जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उसमें सेमी कॉलन भी इंक्लूड हो। ओके, अब चूंकि इसमें सेमी कॉलन नहीं है तो सेमी कॉलन को अब ये इसके लिए सपोज करो कि मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूं कि इनके लिए जो मीन्स ग्रामर होगी जो ई डेराइव ई और सेमी कॉलन। ओके, और ई के लिए मैंने क्या बोला, ई प्लस टी स्लैश टी, टी डेराइव टी स्टार एफ स्लैश एफ एंड एफ डेराइव आई डी, लेट कि इस तरह के एक्सप्रेशन को यहां पर इक्वल भी है तो क्या इक्वल हम जनरेट कर सकते हैं, इक्वल नहीं जनरेट कर सकते हैं, और एक्स को यहां से मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि एक्स उसमें वेरिएबल यूज हुआ है, लेट मैं इसको एस कर देता हूं। ओके, और यहां पर ई इक्वल, यहां इसको मैं बोल देता हूं क्या, ई इधर नहीं होना चाहिए, एल इक्वल ई।
ओके, इसको इस तरह से कह देते हैं। और यहां इसको अलग से क्या बताएंगे, एल भी क्या है, एल एक एल आई डी नहीं है, लेकिन एल को एक एल एक वेरिएबल है। ओके, एल एक वेरिएबल है, नहीं करेक्ट है ये। ओके, तो अब यहां से आप देख लो कि ई डिराइव करके ई से हम कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग ये केवल टू भी। ओके, अब टू इधर से आकर के ये, तो यहां पर अच्छा मुझे एक चीज और लगानी पड़ेगी, ये सेमी कॉलन। ओके, अब परफेक्ट है ये। तो यहां से ये ग्रामर का यूज करके आप इसको जनरेट मीन्स नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल उसमें ये मैंने सेमी कॉलन भी लगा रखा है जो कि यहां नहीं है। ओके, अब जब इसको पार्स एक्स इक्वल टू टू को पार्स करने के लिए उसके रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सर्च कर रहा होगा, ओके, तो उसके रिस्पेक्टिव कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू टू को तो पार्स कर देगी, लेकिन ये जब यहां पर आएगा एल इक्वल टू ई और ये सेमी कॉलन, तो वो इसमें सेमी कॉलन ऑप्शन दिखाई देगा, और चूंकि सेमी कॉलन इसमें है नहीं तो फिर इसको यूज कर सकता नहीं। ओके, एंड देयरफॉर सिंटैक्स एरर। ओके, यहां पर अगर बात करें एक्स इक्वल टू एट प्लस फाइव और क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है यहां पर। ओके, तो जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगी उसका रूल क्या है, अपना इसी से काम चल सकता है, बस आपको क्या करना है इसमें ये इस तरह से एक प्रोडक्शन यहां पर और अप्लाई कर देना है, तो ये इस तरह का भी एक्सप्रेशन जनरेट हो पाएगा। ओके, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है तो यहां पर भी क्या है, सिंटैक्स एरर है। ओके, और इसमें भी सिंटैक्स एरर है। क्यों सिंटैक्स एरर है? क्योंकि यही ग्रामर इसको भी पार्स कर देगी, बस प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर बीच में एक आर्गुमेंट और होना चाहिए था, आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी और सेमी कॉलन। ऐसा होता तो ये ग्रामर जो एक्सप्रेशन को जनरेट करने के लिए है इसको भी पार्स करती, लेकिन चूंकि बीच में आर्गुमेंट नहीं है, दो ऑपरेटर साइड बाई साइड है, तो अगेन ये भी क्या है, सिंटैक्स एरर है। नाउ कंसिडर नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, या आप कह लो स्ट्रिंग लिखी हुई है, और हमको ये चेक करना है कि क्या इसमें सिंटैक्स एरर है। ओके, तो इस पूरे कोड में इंट मेन, यहाँ पर अगर ये नहीं लिखा तो फिर क्लियर कट, अगर ये फंक्शन ये नहीं बना हुआ इस तरीके से तो फिर क्लियर कट क्या है, सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि जो पूरे प्रोग्राम को पार्स करने के लिए जो मीन्स ग्रामर होगी वो कुछ इस तरह से होगी, टाइप यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होता है ये मेन फंक्शन। ओके, तो ये इसी तरीके से होगा, और उसके बाद अगर इसको देखें तो ये स्टेटमेंट या कह लो मीन्स ब्लॉक, यहाँ पर स्टेटमेंट कहो या ब्लॉक कहो, इस तरह से इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। ओके, और अगर आपने ये नहीं लगाया तो फिर ये मैच नहीं होगा, तो कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऐसी नहीं है जो इसको पार्स कर सके। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट, अगर सपोज करो अब ये कोड है तो ओके, तो इंट एक्स इक्वल टू 100 सेमी कॉलन, नो इशू लेक्सिकली, ओके सिंटैक्स ओके, ओके सिमेंटिक्स ऑल्सो ओके, लेकिन सिमेंटिक की बात में करेंगे। ओके, जब यहां पर आएगा तो इसको समझने की कोशिश करेगा कि WHLIE ये क्या है। ओके, और माइनस माइनस एक्स, अगर सपोज करो इसकी जगह में यही सब कुछ होता लेकिन बस एक यहां पे क्या होता, सेमी कॉलन लगा होता, अगर ऐसा होता तो इसमें सिंटैक्स में कोई इशू नहीं था। क्यों इशू नहीं था? क्योंकि WHLIE को क्या समझता उस केस में इसको समझता फंक्शन नेम। ओके, और फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, तो अब ये क्या करता, एरर तब भी होती इसमें। क्यों? क्योंकि अगर पूरा कोड इतना ही है तो एरर इसमें तब भी होती। क्या एरर होती? फंक्शन की कॉल हुई लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिल रही है, तो उस समय एरर आती इसमें लिंक एरर, क्योंकि डेफिनेशन को सर्च करने जाता और डेफिनेशन होती नहीं, तो लिंक एरर उसमें भी इसमें आती। ओके, लेकिन कंपाइलेशन एरर कम से कम इसमें कोई नहीं होती, एक पॉइंट। ओके, इसमें देखो एक पहला यहां पॉइंट मिला और दूसरा ये यहां पर मिला, तीसरा पॉइंट। अब चूंकि ये नहीं है इसमें,
तो इसका मतलब ये कोई बात हमारी अब काम नहीं करेगी। तो ये कंपाइलर ये समझने की कोशिश करेगा, जब सिंटैक्स एनालाइजर ये समझने की कोशिश करेगा कि इसको कैसे पार्स किया जाए। तो अल्टीमेटली चूंकि ये फंक्शन नहीं है, तो अब ये क्या वाइल स्टेटमेंट है, लूप है ये? अगर वाइल लूप है और ये फंक्शन है नहीं, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अवेलेबल नहीं है जो इसको पार्स कर सके। अगर ये वाइल लूप होता तो उसके लिए ग्रामर क्या मिलती, वाइल एक्सप्रेशन, या आगे भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग यही होती। ओके, तो इसको आसानी से पार्स किया जा सकता था। अब चूंकि ये वाला जो वर्ड है ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, और इसके रिस्पेक्टिव कोई ग्रामर भी नहीं है। इस तरह के नाम यूज हो सकते हैं, लेकिन कब, अगर नेम हो वो किसी तरह के तब, और वो नेम है नहीं, तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्टिव कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं है। एंड देयरफॉर चूंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं, तो आप पार्स कर ही नहीं सकते हैं। एंड देयरफॉर सिंटैक्स एरर ड्यू टू दिस वन। ओके, सिंटैक्स एरर, एंड दैट्स डन।